ए ईमान लाने वालों, मुशरिक अपवित्र हैं। ये लिखा है कुरान की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 28 में। मैंने जब ऐसा दुष्प्रचार सुना तो कुरान में चेक करने पर बताई गई जगह ये पूरी आयत मिली। ए ईमान लाने वालों, मुशरिक अपवित्र हैं, अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास ना आएं। और यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर देगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत तत्वदर्शी है। इस आयत को पढ़कर मेरे मन में कई सवाल आए तो मैंने खोजबीन शुरू की। निष्कर्ष स्वरूप मैंने पाया कि इस आयत में जो कहा गया है बिल्कुल ठीक ही है। आपको ये सुनकर आश्चर्य हुआ ना? चलिए कुछ बिंदु संक्षिप्त में बताता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश को जिन लोगों ने स्वीकार किया और उन्होंने जब सारी बुराइयों को छोड़ना और सारी अच्छाइयों को अपनाना शुरू किया तो उस समाज के इक्का दुक्का सबसे बुरे लोगों ने, मिसाल के तौर पर आपके चचा अबू लहब ने, आम लोगों को इन अच्छे लोगों के विरुद्ध भड़काना शुरू किया, फिर ना मानने पर अत्याचार शुरू किया, फिर कुछ को जान से भी मार डाला। 13 साल सारे मुसलमान जुल्म सहते रहे और अपने शहर मक्का के लोगों को, अपनों को समझाते रहे। इस्लाम कबूल करके इतने अच्छे, इतने अहिंसक और इतना प्रेम करने वाले बन गए थे ये लोग, जो इस्लाम से पहले संसार के सबसे क्रूर लोगों में गिने जा सकते थे। 13 साल बाद जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो खाली हाथ घर बार छोड़कर दूसरे शहर मदीना चले आए। लेकिन यहाँ भी मक्का के लोग चढ़ाई कर आए, जिस कारण मुसलमानों को पहला युद्ध करना पड़ा, जिसमें मुसलमान जीते भी। इसके कुछ समय पश्चात मक्का वाले दोबारा चढ़ाई कर आए, फिर युद्ध हुआ। इसके कुछ समय पश्चात तीसरी बार दुश्मनों ने चढ़ाई कर ली, पर यहाँ भी शत्रुओं ने मुंह की खाई। इसके कुछ समय पश्चात एक शांति संधि शत्रुओं की ही ओर से की गई, लेकिन जल्द ही संधि का उन्होंने खुद ही उल्लंघन करके फिर से अत्याचार शुरू कर दिया। इतना सब होने के बाद ही उन मुशरिकों को नापाक घोषित किया गया, जो जाहिर है 21 साल के दुश्मन थे और 21 साल से अत्याचार करने और मारने मिटाने पर ही तुले हुए थे। भला इतना सब होने के बाद भी अगर आप अब भी उन मुशरिकों को पाक ही समझते हैं तो सोचकर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो इस संबंध में बातें और भी हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं बाकी 26 आयतों या इन जैसी आयतों के संबंध में चर्चा के साथ। अभी दें अनुमति। धन्यवाद।